ओके सो वी आर लाइव नाउ। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से डायबिटीज दरबार में। अभी थोड़ा वेट करते हैं क्योंकि मैं अचानक से लाइव आ गया, कुछ बताया नहीं। ओके, अभी तक कोई जुड़े नहीं है तो 2 मिनट वेट करते हैं। ठीक है, आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो। ओके, किसी को लाइव जुड़ना है तो एक लिंक शेयर कर रहा हूं, इस लिंक को क्लिक करके आप लाइव जुड़ सकते हैं। ठीक है, ये लिंक है, इस लिंक को क्लिक करके आप लाइव जुड़ सकते हैं। हाँ जी, नमस्ते, हेलो, गुड इवनिंग, क्या हाल चाल। किसी को भी लाइव जुड़ना है, लिंक शेयर कर दिया है, इस लिंक को क्लिक करके लाइव जुड़ सकते हैं। सबको नमस्ते। गुड इवनिंग सर, मेरा HbA1c 9.8 और फास्टिंग इंसुलिन 2.5, क्या मेरी शुगर रिवर्स हो सकती है? हाँ बिल्कुल रिवर्स कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, समय लगेगा। सुरेश कुमार सर, आपके दरबार का लत लग गया है, थैंक यू। इरशाद सर, हम दिन में कितनी ग्राम कार्ब खाना खा सकते हैं? आपके टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर उसका 26%। हेलो सर, आई मे नॉट यू माइट नॉट बी एबल टू सी मी बिकॉज इफ आई गो टू अ प्लेस वेयर आई विल बी विजिबल आई विल नॉट बी ऑडिबल टू यू देयर बिकॉज इट्स अच्छा, वेरी क्राउडेड प्लेस हियर. ओके, कैन लाइट आई नहीं है गो एंड आप, पिक दिस वन? लाइट नहीं है। यस सर, द प्लेस वेयर द लाइट इज अवेलेबल इफ आई गो देयर आई विल नॉट बी ऑडिबल. इफ आई एम अच्छा, कहाँ विजिबल इफ आई से एम बोल नॉट रहे हैं, हिंदी बोल सकते हैं? सर, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ. आपसे पहले भी बात हुई है मेरी एंड जी इट्स जी सो गुड टू कनेक्ट विथ यू अगेन. पिछली बार जब हमारी बात हो रही थी सर तो वो इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से डिसकनेक्ट हो गया था कॉल. ठीक है, पूछिए क्या सवाल है आपका। सर माय ब्रदर इज 35. उसको उसका ना हमने कभी शुगर चेक नहीं कराया और जी अचानक से हमने एक बार चेक कराया जब तो वो आ गया 10 HbA1c. तो 10 अच्छा, HbA1c आने के बाद सर हमने ना उसका फास्टिंग इंसुलिन भी चेक करवाया तो इट वाज अराउंड 15 और वो ज़्यादा वेटेड भी नहीं है सर. और फिर उसके 1 महीने के बाद ना हमने आपकी डाइट वगैरह फॉलो किया तो उससे 9.5 आ गया था. और फिर हमने छत्तीसगढ़ के एम्स में विजिट किया इंडोक्रिनोलॉजिस्ट को तो उन्होंने प्रिस्क्राइब किया कि आप 500 mg का मेटफॉर्मिन एम्प्टी स्टमक लीजिए डेली सुबह.
तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ सर कि अगर वो 500 का मेटफॉर्मिन अगर ज्यादा समय तक लेते हैं, फिर उसके बाद शुगर रिवर्सिबल रहेगा? क्योंकि आप, मैं देखा हूँ आपने अपनी वीडियो में कई बार कहा है कि ज्यादा अगर बहुत वक्त हो गया दवाइयां लेते लेते तो फिर थोड़ा मुश्किल होता है शुगर रिवर्स करेक्ट करना। करेक्ट, लेकिन अभी तो वो न्यूली डायग्नोज्ड है, तो दवाई की तो जरूरत ही नहीं है। दवाई की जरूरत नहीं है बोल रहे हैं सर आप? नहीं, न्यूली डायग्नोज्ड है, बॉडी अच्छी खासी इंसुलिन बना रही है, तो दवाई क्यों चाहिए? ओके, आई गॉट यू सर। तो दवाई नहीं देना चाहिए उनको? ओके, दवाई बंद करके डायफिड डाइट फॉलो करिए, 6 महीने साल भर के अंदर HbA1c 5.5 के आसपास आ जाएगा, 1 साल के अंदर। इंशाल्लाह। एंड सर वन लास्ट थिंग कि मेरी मम्मी को ना वो इंसुलिन में है, इंसुलिन वो सुबह 6 लेती हैं, सॉरी सुबह 12 लेती हैं और रात को 6। हेलो सर, एम आई ऑडिबल सर? या हाँ, सुन रहा हूँ। तो वो सुबह में क्या 12 पॉइंट लेती हैं और रात को 6 लेती हैं, तो क्या उनके लिए सर रमजान में फास्ट रखना सही डिसीजन होगा, एटलीस्ट वंस इन अ वीक सर? रमजान और फास्टिंग, एक ये कुछ कारणवश किया गया है, ठीक है ना? हमारे जैसे हिंदुओं में नवरात्र रखा जाता है, ठीक है, जी और ये सबको रखना चाहिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर यू आर हैविंग डायबिटीज और नहीं। लेकिन इसमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज ध्यान देने वाली बात है कि जब भी आप फास्टिंग रखेंगे तो डोज एडजस्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर फास्टिंग रखेंगे और इंसुलिन का डोसेज लेते रहेंगे तो हो सकता है कि हाइपोग्लाइसीमिया में चला जाए, तो इसलिए डोज एडजस्ट करना बहुत जरूरी है, और फास्टिंग बिल्कुल रख सकते हैं और डेली रखना चाहिए। हर डायबिटीज के मरीज को फास्टिंग रखना चाहिए, चाहे वो रमजान के बाद भी फास्टिंग रखना चाहिए, ठीक है? चलिए, मुझे लगता है आपसे संपर्क जी टूट, फिर हम बात करेंगे, ठीक है? जितने लोग भी सुन रहे हैं, बहुत सारे लोगों का ये सवाल रहता है कि रमजान में फास्टिंग रखना चाहिए, नवरात्र में फास्टिंग रखना चाहिए, इंसुलिन लेते हैं, बिल्कुल रखना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपकी इंसुलिन की डोज कम हो जाएगी और हो सकता है कि आपकी इंसुलिन भी बंद हो जाए। लेकिन ये जो फास्टिंग जो रखते हैं, सहरी और इफ्तारी में जो खाना है, वो क्या खाना है, वो कैलकुलेटिव होना चाहिए, वो डायफिट डाइट के अनुसार होना चाहिए, तभी जाके आपकी शुगर लेवल कंट्रोल रहेगा, ठीक है? ओके, आज। सागिर अंसारी नमस्कार सर, सगीर अंसारी पश्चिम बंगाल से सर। टेलर जी, क्या करते हैं आप? का दुकान है सर मेरा, जी और जो है मेरा वाइफ का जो है सीकेडी का पेशेंट था, उसका ऑपरेशन हुआ था अपेंडिक्स शुगर का, किसको है? शुगर उसमें किसको है? शुगर मेरा वाइफ को भी है। और बता रहे हैं आपको, पहले उसको शुगर था, शुगर लो करके उसका अपेंडिक्स हुआ था, तो अपेंडिक्स का ऑपरेशन कराए तो उसमें हाई एंटीबायोटिक दे करके उसका किडनी खराब हो गया था, 4 पॉइंट में आ गया था क्रिएटिनिन, खाली उल्टी हो रहा था। तो उसके बाद हम लोग जानते नहीं थे, तो ये विश्वरूप सर का जो है वीडियो देख करके, उसका एक सिलीगुड़ी में ये है क्लिनिक, वहां पर जा करके कुछ दवाई दिया, उसके बाद वो दवाई, उसके बाद नेफ्रोलॉजी को भी दिखाए, दोनों दवाई से थोड़ा बहुत कम हुआ, तो मगर शुगर कम नहीं हुआ उसका, किडनी तो नॉर्मल में आ गया है, 1.4 में है। उसके बाद जो उसका जो DIP डाइट हम भी खाने लगे, सुन रहे हैं सर, हाँ, सुन रहा हम हूँ, भी बोलिए खाने, बोलिए। हम भी खाने लगे तो हमको शुगर पकड़ लिया।
शुगर ठीक हो गया आपका? शुगर ठीक कहाँ हुआ सर, उसके बाद जब वो पहले से शुगर था उसके बाद हमको 400 आ गया था रेंडम, मेरा पैर जो है पूरा सुन हो गया। पैर मतलब सुन होने के आपको, बाद आपने डीआईपी डाइट फॉलो किया और आपकी शुगर 400 चला गया, ये कह रहे हैं आप? 400 खाने के बाद और खाली पेट में था 387। ये पहले कितना रहता था अक्टूबर डीआईपी महीना डाइट? डीआईपी डाइट अक्टूबर फॉलो महीना करने में के डायबिटीज पहले, हुआ। एक सेकेंड एक सेकेंड, डीआईपी डाइट फॉलो करने के पहले कितना शुगर आता था? शुगर था ही नहीं, मेरा नॉर्मल था। तो आप डीआईपी डाइट क्यों फॉलो कर रहे थे? हम सोचे मेरा वजन थोड़ा बढ़ा हुआ था, पेट उट निकला हुआ था, सोचे अच्छा हो जाएगा। तो डीआईपी डाइट फॉलो किया, आपको शुगर नहीं था और आपको लगा शुगर कि नहीं, वजन कम हो जाएगा, अच्छा, तो अच्छा हुआ या बुरा हुआ? बहुत बुरा हुआ। क्या हो गया, पूरा खुल के जिस बताइए। दिन के पहले तो मेरा पैर में दर्द होने लगा, पैर मेरा हाँ, पैर का पांव का नस सब आस्ते आस्ते काला पड़ना चालू हुआ। खून में किसी टाइम में लगता है कि खून जाता है खून आता है, हम पता नहीं कर पा रहे थे। तो लास्ट में हम शुगर चेक किए तो उतना निकला 400 और 350। उसके बाद तो मेरा दिमाग ही सुन हो गया, क्या करे नहीं करे। उसके बाद पूरा मोबाइल में सर्च करते 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 आपका वीडियो मिला, तो आप जी उसमें बोलते हैं कि शुगर रिवर्स हो सकता है। तो हम कोई भी जी दवाई नहीं खाएं, आपका डाइट को हम अपना करके अभी मेरा पैर भी मोटा मोटी 50% से ज़्यादा अभी ठीक ठीक है। और उसके बाद जो है शुगर भी अभी लो में, दवाई मगर एक भी नहीं खाए। जी अभी चेहरा भी डीआईपी मेरा डाइट पूरा क्या सुख, खाते थे आप, वो बताइए जरा सा। डीआईपी डाइट, हाँ, क्या खाते थे आप डीआईपी उसमें, डाइट हम 2021 से खा रहे हैं। क्या खाते थे उसमें? सुबह में वही फल खाते थे आधा किलो के लगभग, 3-4 किस्म का, आधा किलो फल खाते थे आधा किलो फल खा लेते 12 बजे अभी, तक नाप नाप करके लगभग। नाप करके, उसके बाद हाँ, 4 किस्म का फल, उसके बाद कुछ नहीं खाते थे। उसके बाद दिन और में सलाद, और पूरे दिन में क्या खाते थे? दिन में जैसे करके पहले सलाद खाते थे, उसके पहला बाद प्लेट, चावल खाते थे। एक बंगाल में रहने वाले हैं ना हम लोग, तो ज्यादा चावल खाते, रात में भी चावल खाते थे। मतलब कि आपने पहले 12 बजे तक आपने फल खाया आधा किलो के आसपास, फिर आप हाँ, लंच और डिनर में पहले प्लेट में सलाद खाते थे और फिर चावल दबा के खाते थे, चावल खाते थे। ठीक, और डीआईपी डाइट में मीट, मछली, चिकन, फिश, मटन, पनीर, ये सब वो सब खाते तो थे? नहीं, खाते थे, मगर खाते थे हम, खाते थे तो वो फिर डीआईपी डाइट फॉलो कैसे किया आपने? फिर डीआईपी डाइट में तो वही मना कर मेरा वाइफ का। हमको तो इतना पता नहीं था ना सर पहले से, अगर पता रहता तो कोई बात ही नहीं था। यहाँ का जो भी डॉक्टर है बोलता है डायबिटीज तो लाइफ लॉन्ग है, यहाँ का जो भी डॉक्टर। हम लोग तो देहात इलाके में है ना सर। तो अभी आप समझिए कि ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाने से ना शुगर जिसको नहीं भी है उसको हो जाता है, आपने कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा खाया। कार्बोहाइड्रेट तो सर पहले तो कार्बोहाइड्रेट जानते ही नहीं थे किसको कार्बोहाइड्रेट बोलता है। तो अब जी आपका वीडियो देख करके कार्बोहाइड्रेट सीखे, उसके बाद जो है लो कार्बोहाइड्रेट सीखे, उसके बाद जो है फाइबर सीखे, तब तो आपका वीडियो देख करके अभी सीखे सर, पहले तो कुछ नहीं जानते। तो अभी शुगर ठीक है आपका? अभी तो मेरा खाली पेट में रहता है लगभग 190, 110 किसी किसी दिन, और खाने के बाद 120, 130, कभी 140, कभी 150, इससे ज्यादा नहीं होता है। उसके खाली बाद पेट में 120, 190? खाने के बाद 120, 130, 40, 50 ऐसे रहता खाली पेट कितना रहता है? है। खाली पेट तो 110, 100, कभी 90, इतना ही रहता है। अच्छा, 90, ठीक है, 90, 100, 110, ठीक है। अब HbA1c और चेक सर कराया कि? हाँ, HbA1c चेक किए इदेनिंग 22 जनवरी को 6.2। ठीक है, अभी आपको डायबिटीज तो नहीं है, प्री डायबिटिक इंसुलिन रेंज में है। डायफिड डाइट में है क्या सर, सीखा? इंसुलिन आपके डायफिड डाइट में क्या इंसुलिन खाया? का पहले सुन लीजिए सब, आपका बता रहे हैं। इंसुलिन अभी है मेरा 17.2 है, ज्यादा हाँ, ज्यादा है, इंसुलिन रेजिस्टेंस है। अभी डायफिड डाइट में क्या खा रहे हैं आप? डाइट में आप बता रहे थे। सुबह में खाते हैं हम अंडा,
जैसे आप बताते हैं सुबह में हर दिन एक अंडा खाते हैं, उसके बाद एक दो पीस खाते हैं आपको जगह सेब, समतोला खाते हैं तीन चार पीस, उसके बाद आप जो पीनट बटर बोलते हैं पीनट बटर हाँ। खाते हैं, कभी भंसार का जूस खाए, भंसार का ये जो न्यूट्रिशन जूस जो मिलता है बनाना पड़ता है वो खाते हैं, और दोपहर में सलाद खाते हैं, उसके बाद जो है आटा जैसे करके हम कीटू आटा मंगाए थे उसी में मिला करके एक रोटी खाते हैं, बाकी जो है नट खाते हैं ज्यादातर जी, मूंगफली खाते हैं, अखरोट बादाम, उसके बाद काजू, उसके बाद काला चना भी थोड़ा सा खाते हैं। तो ये सब खा के शुगर कंट्रोल हुआ? बहुत कंट्रोल हुआ सर, कंट्रोल हुआ सर, मेरा वजन हो गया था 60 किलो, अभी मेरा जो आप बोले हैं ज्यादा आप जो है फेट खाइएगा, फेट पहले फेट नहीं जानते थे, फेट किसको बोलता है, तो फेट ठीक है, जैसे दही रात में दही भी खाते हैं, पहले दिन में खाते थे, अभी तो रोजा रखते हैं तो रात में दही खाते हैं, दही खाते हैं 100 ग्राम से ज्यादा मलाई खाते हैं डेली का, 100 ग्राम मलाई में मिला देते हैं आपको सेफ्रोन जाफरान थोड़ा सा, ठीक है, उसी में थोड़ा सा ठीक है, बढ़िया है, बहुत अच्छा है। अभी सवाल क्या है, अभी आपका क्या पूछना चाहते हैं, क्या जानना? सवाल ये है सर, सवाल ये है कि मेरा इंसुलिन रेजिस्टेंट मोटा मोटी जो है, अभी तो हम नापे थे 22 जनवरी को, अभी 3 महीना के बाद फिर से नापेंगे तो फिर आपसे आएंगे 1-to-1 में यहाँ, अभी और नहीं नापे है, 3 महीना देखते कितना होता है। ठीक है, इंसुलिन रेजिस्टेंस है, डाइफिड डाइट को फॉलो करिए और एक्सरसाइज करिए, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करिए, फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस की ट्रेनिंग भी कर रहे हैं सर, वो तो ट्रेनिंग उन्हें कुछ नहीं जानते थे हम पहले जी, अभी तो आपका वीडियो देख करके इतना जान गए हैं जो क्या बोले आप आपका जितना भी शुक्रिया अदा करे कम है सर जी। और सर मेरा अभी 6 किलो वजन हुआ है, मेरा हाइट है 172 सेंटीमीटर, ठीक है, BMI नहीं जानते थे, BMI एक बार ये बता दीजिए, DIP डाइट काम करता है नहीं करता है, और फॉलो करना चाहिए या नहीं, नहीं करता है सर, नहीं करता है, नहीं करता है सर, बहुत बुरा हो गया मेरा, ठीक है, चेहरा भी काला हो गया था, अभी हमको देख के लग रहा है सर मेरा 46 एज है, ठीक है, चेहरा भी काला हो गया था, आंख सब में काला काला हो गया था ये सब, अच्छा, चेहरा भी अच्छा हुआ है, वजन 6 किलो वजन बढ़ा है, दही और मलाई खाके आ रही है, मूंगफली, ठीक है, और पहले ना दही खाते थे सर, ना मूंगफली खाते थे, ये सब कोई चीज नहीं खाते थे सर, सब बंद हो गया, चिकन भी नहीं खाते थे, चिकन तो साफ से ही नहीं खाते थे, और अभी तो दिन में समझ लीजिए कि हफ्ता में 5 से 6 दिन चिकन खाते हैं, उसके बाद आपका जो ये क्या बोलते हैं, क्या बोलता है उसको, जो जिसमें प्लेट मिला था सोयाबीन, सोयाबीन, सोयाबीन भी नहीं खाते थे, अब सोयाबीन में आप बोलते हैं सबसे ज्यादा प्रोटीन है, वो सोयाबीन भी खाते हैं, हाँ, तो जो चीज खाना चाहिए सब बंद करा देते हैं, और इसलिए आपको डायबिटीज होता है, आपको बाकी बीमारी होती है, कोई बीमारी नहीं था सर हमको, कोई बीमारी नहीं था, एकदम फिट आदमी थे, बीमार हो गए ताकि आप जाके दोबारा हिम्स हॉस्पिटल में भर्ती हो सके, इसलिए ये सारा चीज किया जाता है, समझ में आ रहा है सारा? मगर सर आपका अगर आपका वीडियो नहीं देखते तो अगर हम डॉक्टर के पास जाते तो हमारा चेकअप में सिर्फ हमारा मेरा लगता है कि 40-50 हजार रुपया तो चेकअप में ले लेता, क्योंकि पैर मेरा काला काला पड़ गया था जी, एक पैर मेरा जो है चलते थे ना तो नंगरा नंगरा करके चलना पड़ता था, समझ गया, ठीक है, चलिए डाइट को फॉलो करिए, और इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो भी ठीक होगा आपका धीरे धीरे करके, एक्सरसाइज करते रहिए, ठीक है ना? हाँ, एक्सरसाइज सर, कुछ सप्लीमेंट हम ले रहे हैं विटामिन बी का, सप्लीमेंट कुछ भी नहीं चाहिए, जो खाना मैं आपको बता रहा हूँ वही खाइए, और कोई सप्लीमेंट नहीं चाहिए आपको, ठीक है, पैसे बर्बाद मत करिए सप्लीमेंट में, खाना खाइए उसी में सब कुछ मिल जाएगा, खाना तो खाते हैं दवा के खाना खाते हैं,
मिलेगा, सप्लीमेंट फालतू मत खर्चा करिए पैसे उसमें। जैसे अभी हम लोग शाम में इफ्तारी करते हैं तो डेली का बेसिस में चिकन खाते हैं इफ्तारी। ठीक है, इफ्तारी और सहरी में दो बार खा रहे, 16 घंटे की फास्टिंग आप रख रहे, आपकी फास्टिंग ये जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो भी जल्दी ठीक होगा आपका। ठीक है, सहरी में सर वही सहरी में खाते हैं आपको जाकर के मलाई, उसमें जाफरान देकर के, सेफ्रन देकर के, उसके बाद दही, दही में मिला देते आलमंड 20-25 छील करके। मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं सहरी में क्या खाना है और इफ्तारी में क्या खाना है। जो सब बना के दिए है ना सर, चिकन 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 जैसे बना के दिए सहरी के लिए, वो चिकन हम रोज बना के खाते हैं सर। आप ही का वीडियो देख करके तो सीखे सर, जीना सीख लिया समझ लीजिए। जी जी जी, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो चिकन का जो है आप जो बताए रेसिपी, मेरा वाइफ के पास वीडियो भेजे वो देख करके, वो मगर फॉलो नहीं कर रहा है 100% सर। जैसा हम फॉलो कर रहे हैं ना, तो मेरा तो शुगर बिना दवाई का नॉर्मल हो गया, मगर उसका एक दवाई चल रहा है लीनापिल 5 mg। ठीक है, आप उनको भी फॉलो कराइए, दोनों एक दूसरे को मोटिवेट करिए। ठीक है, नमस्ते। दोनों एक दूसरे को फॉलो करिए, मोटिवेट करिए, और इनका भी दवाई जल्दी छूट जाएगा। ठीक है, उसका शुगर है 2017 से। हाँ सब, अभी बॉडी इंसुलिन बना रही है तो ठीक हो जाएगा, आप टेंशन मत करो, डायफिट डाइट को फॉलो। ठीक है, फिर से बात उसका करेंगे। भी एक बार उसका भी एक बार इंसुलिन चेक कर लेते हैं सर, चेक नहीं किया। हाँ, चेक कराइए, फिर अगली बार मिलना मेरे से। ठीक है, चलिए, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपका वीडियो मेरा भैया भी देखता है, नेपाल में रहता है। जी जी, मेरा एक बड़ा भाई है जी, नेपाल में रहता है, उसके पास हम शेयर करके सब बता दिए कि सर का वीडियो देखिए, आपका भी शुगर कम होगा। बहुत दिन से ट्रायल कर रहे थे ऑनलाइन आने के लिए, हमसे हो ही नहीं रहा था। ठीक है, चलिए, आज हो गया। बहुत कोशिश करके, उतना मोबाइल घाट-घूट नहीं करने पाते थे ना सर। हाँ हाँ, बहुत मुश्किल से आज ऑनलाइन हो पाए, कितना बार कोशिश किया मोर कभी नहीं हुआ, आज मोर हो गया, आज आपका दर्शन हो गया। ओके ओके, थैंक यू। अगर दिल्ली आएंगे सर तो आपका क्लिनिक में जरूर आएंगे। ठीक है ठीक है, पक्का। ओके ठीक है सर, ओके सर। संदीप शर्मा जी सर, नमस्ते जी, कहाँ रहते हैं आप? जी सर नमस्ते। हाँ, सर, मैं यहाँ उत्तर प्रदेश से हूँ, बिजनौर से। और क्या काम करते हैं? जी जी, काम क्या करते हैं? सर एक छोटी सी दुकान है मिठाई की। अच्छा अच्छा, ओके ठीक है, बताइए क्यों जुड़े। मिठाई की दुकान है, शॉप है सर। ठीक है सर, आपसे मैं यानी कि मैं आपसे कम से कम एक महीने से आपकी वीडियो देख रहा हूँ सर, और जी मुझे ये दिक्कत है, मुझे 22-23 सालों से सर इंसुलिन ले रहा हूँ मैं। अच्छा, 22-23 साल सर इंसुलिन ले रहा हूँ जी सर। तो अब जाके अभी 5-6 महीने पहले सर मुझे अटैक का भी अटैक हुआ था सर, यहाँ सीने में दर्द हुआ था, तो उसमें मेरा हार्ट जो काम कर रहा था 32% काम कर रहा था सर। तो सर मैं अब ये मैंने आपकी डाइट को फॉलो कर रहा हूँ मैं, अब जब से मैं जो इंसुलिन मेरी चलती थी सर उससे मेरा यानी कि कंट्रोल नहीं होती सर, अब जब से आपकी वीडियो देख रहा हूँ तो ठीक है, मैं इंसुलिन मेरी छूट नहीं सकती, मगर मैं सिर्फ आपकी डाइट फॉलो कर रहा हूँ, जैसे भी आपने बताना है वो मैंने आपको देख के सब कुछ करना शुरू कर दिया, दही खाना, सलाद खाना, दाल वगैरह A to Z सब कुछ। अब जाके कुछ यानी कि 15-16 दिन सर सारा ही फायदा है सर, कंट्रोल में है अब, जो मेरी शुगर खाना खाने के बाद 235-250 तक रहती है सर, 270 तक मिनिमम है सर खाना खाने के बाद। हाँ, मगर सर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता सर, ये इंसुलिन सर पहले जब भी नापता था 300-400-500 तक भी जाती थी सर, HbA1c 2-1.5 महीने पहले नापता था मैंने सर, 13% आया था, बहुत बड़ा था सर। ठीक है सर, मुझे इतनी जानकारी नहीं थी सर, मगर अब जाके जब आप, अभी सवाल यह है कि सर मेरी इंसुलिन छूटे कभी छूटेगी नहीं ना सर? आप सी पेप्टाइड टेस्ट करो, किया आपने सी पेप्टाइड टेस्ट? सर हमारे यहाँ हमारे कोई डॉक्टर हमें बताते नहीं ना, अभी मैं कल ही डॉक्टर के पास गया था, अपने डॉक्टर के पास गया था, उन्होंने चार्ट बना के दिया था कि आप जब मेरे पास आना
तो 7-8 दिन में आप ना ये जो पूरे दिन का चेकअप है वो करके लेके आना। मैं कल भी उनके पास गया तो उन्होंने कोई सी पेप्टाइड वगैरह ऐसा कुछ नहीं बताया, बस ये बताया कि शाम की जो डोज है आपकी 20 है, 20 यूनिट आप शाम को ले रहे हो उसे 15 कर दो, और जो सुबह की डोज है आपकी 25 उसे 25 ले लो। सुनो सुनो, आप किसी भी लैब में जाओ, पूछो जी किसी भी सी पेप्टाइड की जांच होती है नहीं होती है, पहले सी पेप्टाइड की जांच कराओ। जी सर। अगर सी पेप्टाइड आपका नॉर्मल रेंज में है, जो भी नॉर्मल रेंज उसमें रहेगा, अगर नॉर्मल रेंज में है तो आपकी इंसुलिन छूट सकती है, अगर नॉर्मल से कम है तो इंसुलिन चलेगी। डायफिड डाइट को फॉलो करोगे तो इंसुलिन का डोज आपका कम हो सकता है, ठीक है। तो जब तक आप सी पेप्टाइड टेस्ट नहीं करोगे तो मैं आपको नहीं बताऊंगा कि इंसुलिन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। जी जी सर। और सर मैं ये जो जी सर ये हार्ट की तो हाँ सर, ये जो हार्ट में जो कभी कभी मेरे दिक्कत अभी होती है सर, अब जाके तो मतलब कुछ है, मैं थोड़ी बहुत देसी दवाई खाई है, उनके डॉक्टर के कहे मुताबिक परहेज किया है तो सर अब दर्द नहीं होता, मगर अब बाई चांस कभी कभी दर्द होता है, तो इंसुलिन से हार्ट पे फर्क पड़ता है सर? इंसुलिन थोड़ी कमजोर हो गई है पहले से। इंसुलिन बहुत सेफ ड्रग है, आप समझ लीजिए, जितने लोग भी सुन रहे हैं सब सुनिए, इंसुलिन बहुत सेफ ड्रग है, इंसुलिन सबसे सेफ ड्रग है, इंसुलिन लाइफ सेविंग ड्रग है, कि इंसुलिन से घबराना नहीं है। आपके बॉडी में इंसुलिन नहीं होगा तो आप जिंदा ही नहीं रह पाएंगे। इंसुलिन बहुत जरूरी है लेकिन लाइफ सेविंग ड्रग और जरूरी ड्रग उन लोगों के लिए है जिनकी बॉडी इंसुलिन नहीं बना रही है, ये भी समझना बहुत जरूरी है। जिसकी बॉडी इंसुलिन खुद बना रही है उसको अगर आप इंसुलिन देंगे तो फायदे से ज्यादा नुकसान करेगा। अब इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आप एक सी पेप्टाइड टेस्ट करिए, उससे पता चलेगा कि बॉडी में इंसुलिन बन रही है कि नहीं बन रही। अगर बॉडी में इंसुलिन बन रही है कैसे पता चलेगा? सी पेप्टाइड नॉर्मल रेंज में होगा, 1 के ऊपर होगा, 8 के ऊपर होगा, 0.8 के ऊपर होगा, 1.2 होगा, 1.4 होगा, इस तरह से अगर है तो बॉडी इंसुलिन बना रही है, आपके बीटा सेल काम कर रहा है, बॉडी बाहर से इंसुलिन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो जांच बहुत जरूरी है और इंसुलिन से घबराना नहीं है। बहुत सारे लोग जो है इंसुलिन से घबराते हैं, इंसुलिन लाइफ सेविंग ड्रग है, ठीक है। लेकिन जिसको टाइप 1 है या लाडा है उनके लिए बहुत जरूरी होता है ये। चलिए संदीप जी, अभी मुझे लग रहा है कुछ दिक्कत है उनकी तरफ से। सावला चौहान जी सर नमस्ते। नमस्ते सर जी, कहाँ रहते हैं आप? सर मैं सिटी में जोधपुर। जोधपुर में उम्र कितना है आपका? सर मेरा 32 है। बताइए क्यों जुड़े हमारे साथ? सर वैसे लिंक ज्वाइन कर लिया, आपसे जुड़कर अच्छा लगता है, मैं आपके बहुत कमेंट करता हूं। अच्छा अच्छा, कोई सवाल है? डायबिटीज है आपको? जी सर। हाँ मैंने सर ये हाँ मेरा एसपीवीएनसी 9.50 आया है, ये 20 मार्च को चेक कराया। हाँ और मेरा वेट भी 12 किलो कम हो गया है। कैसे कम हो? अपने आप? हाँ ये मेरे को ये मेरे यूरिन में शुगर आता था इसका। अच्छा, शुगर बहुत ज्यादा था, ठीक है, वजन कम हो गया। अब डायफिड डाइट को फॉलो करिए, एचबी1सी ठीक आ जाएगा कुछ महीनों में। हाँ बिल्कुल हो गया साहब, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे को डॉक्टर मेरे को डराते हैं, कहते हैं तेरे को किडनी की फेल हो जाएगी, तेरे वो आंखें खराब हो जाएगी। मैंने बोला कुछ नहीं होगा, आंखें खराब किडनी खराब तब होता है जब शुगर ठीक नहीं होता है, जब शुगर बहुत ज्यादा रहता है और लंबे समय तक रहता है। डायफिड डाइट फॉलो करिए तो शुगर ही तो ठीक हो जाएगा, जब शुगर ठीक हो जाएगा तो किडनी और आंखें कैसे खराब होंगे? सर मैं डेली चिकन ले सकता हूँ? सर डेली चिकन खाना चाहिए, मैं खुद खाता हूँ। सर ये प्रोटीन का सर सोर्स देखा प्लीज। प्रोटीन का सोर्स चिकन हो गया, मटन हो गया, फिश हो गया, अंडा हो गया, पनीर हो गया, सोयाबीन हो गया। तो जो लोग वेजिटेरियन है उनके लिए पनीर है, टोफू है, सोयाबीन है, और जो नॉन वेजिटेरियन है वो तो ये सारे चीज ले सकते हैं। इसके अलावा चिकन, मटन, फिश, अंडा सब कुछ ले सकते हैं और लेना चाहिए। थैंक यू ठीक है। सर आपसे बात करने के लिए जुड़ा था, मेरे को सब मैं वीडियो देता हूँ, सब वीडियो बता रहे हैं आप, फिर आपको परेशान करने का कोई मतलब ही नहीं है, मैं आपको पूरा वीडियो देता हूँ।
बहुत समझ में आ गया रैपिड डाइट क्या है। हाँ, चलिए बहुत थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, ठीक है, थैंक यू, ओके बाय, टाइम करेंगे कि नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे, अभी कर लिया ना आपको ज्वाइन। नमस्ते सर। नमस्ते, हम अपनी बेटी से बोली रहे थे, पता नहीं क्या ज्वाइन करेंगे सर कि नहीं करेंगे। कर लिया ना आपको, अभी बताइए कहाँ रहते हैं क्या करते हैं। जी सर, हम बिहार में रहते हैं, बेतिया में। हाँ बताइए क्यों। बिहार में बेतिया एक जगह पश्चिम चंपारण, वहाँ के रहने वाले। एक बार ऐसे ही हमने अपना टेस्ट कराया था जी, तो उसमें मेरा 5.89 करके आया था। 5.89 जी, तो हमको तो समझ में नहीं आया ये क्या है। उन्होंने कहा थोड़ा सा बढ़ा हुआ है आपका, ये डायबिटिक रेंज में है, चिंता वाली कोई बात नहीं है, कोई डायबिटीज नहीं है आपको। और फिर सर हमने आपका वीडियो देखा, उसमें एक में आप बोले हैं कि फर्स्ट स्टेज में नहीं हो पाता है और प्री डायबिटीज में हो जाता है रिवर्स। किस स्टेज में नहीं होता है वो? टाइप वन में। हाँ, टाइप वन डायबिटीज रिवर्स नहीं होता है। तो हम कंफ्यूज हो गए कि प्री डायबिटीज और ये टाइप वन एक ही होता है। सुनिए, पहले होता है एक नॉर्मल इंसान, पहले कॉन्सेप्ट को समझिए। पहले होता है एक इंसान जिसकी HbA1c 5.7 के नीचे है, ठीक है, 5.7 या उसके नीचे, उसको हम हेल्दी इंसान बोलते हैं, उसको डायबिटीज भी नहीं है, प्री डायबिटीज नहीं है। दूसरा जो होता है वो 5.7 और 6.5 के बीच में होता है, जैसे आपके 5.8 5.9 है। तो आप प्री डायबिटिक में हैं ना, आप हेल्दी है जी, और ना आप डायबिटिक रेंज में, प्री डायबिटिक रेंज में आता है। तो अभी जो हम रिवर्सल की बात कर रहे हैं, अब आते हैं डायबिटीज में। डायबिटीज होता है टाइप 1, टाइप 2, लाडा, मोडी, ये होता है। तो जब आपको डायबिटीज ही नहीं है तो टाइप 1 और टाइप 2 का सवाल कहां से आता है? नहीं सर, उसका नॉलेज नहीं था हमको, मगर आपकी वीडियो देख देख के हमने बहुत नॉलेज हमको मिला। इसीलिए तो वीडियो बना के नॉलेज शेयर कर रहे हैं, इसके ऊपर बहुत सारे सर आपकी वीडियो देख के हमको बहुत है ना हिम्मत मिलती है, बहुत मतलब पॉजिटिव सोच आती है अंदर, वरना हम तो बहुत डर गए थे। डरना नहीं है आपको, तो डायबिटीज ही नहीं है आपको, प्री डायबिटिक रेंज में है, आ गया है, ठीक है। तो जब से हमने आपकी वीडियो देखी है सर, तो हम उसी तरह मिल लेते हैं, और पहले भी हम सिर्फ दो बार खाते थे, सुबह बादाम, एक एग लेते थे। रमजान कर रहे कि नहीं? वो रमजान कर रहे हैं, फास्टिंग रख रहे हैं। हमने आपको बहुत मैसेज करके परेशान किया कि रमजान कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत से लोग बोल रहे थे प्री डायबिटीज वाले अगर नहीं कर रहे हैं तो करिए, प्री डायबिटीज भी साफ कर रहे हैं। जब आपने बोला यस कर सकते हैं आप, तो हम तब से कर रहे हैं। और अभी आप बोले थे फास्टिंग इंसुलिन कराने के लिए सर, तो हमने किया था फास्टिंग इंसुलिन, तो मेरा फास्टिंग इंसुलिन 5.01 आया है। हाँ ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा है बट ठीक है। अभी आपको क्या करना है मैं बताता हूँ। अभी आपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहिए, खुश रहिए, ज्यादा मत सोचिए, रमजान मनाइए, ईद आने वाला है, ईद की तैयारी करिए, और जो खाना हम बताते हैं सहरी और इफ्तारी में जैसे खाना है वैसे खाइए, ज्यादा मत सोचिए। जो आप रायता लेते हैं रमजान में, हम ये 100 ग्राम लेते हैं, सब फ्रूट में से दो दो पीस, और तो बच्चे हंसते कहते हैं मम्मी ये क्या खा रही है, थोड़ा थोड़ा सा। और एक रोटी लेते हैं, ऐसे ही खाना है, और बच्चे लोगों को भी वैसे ही खिलाइए, सबको वैसे ही। हम लोग कहते हैं इसी तरह खाओ, तो कह रही आपको डायबिटीज, आपको शुगर बढ़ा है, हम लोग का शुगर नहीं है। जिसको शुगर नहीं है उसको भी वैसे ही खाना है ताकि शुगर ना हो, क्यों शुगर हो उसके बाद रिवर्स करे, ऐसा क्यों करना है हमें?
जी सर, और उसी दिन फास्टिंग इंसुलिन कराए थे सर, उसी दिन मेरा 89 आया था फास्टिंग ये ग्लूकोज जी, फास्टिंग शुगर। अभी आपको कोई दिक्कत नहीं, आप बेकार परेशान हो रहे, परेशान होने तो हम मिस्टर वो आपका मेरे पास डंबल तो है नहीं, तो क्या करते दो तो ईटे लेते हैं उसको लेकर के, ईटा से करिए पानी का बोतल ले लीजिए जी। Simple. तो वो थोड़ा ज्यादा भारी नहीं लेते हैं, मीडियम मतलब 1.5 किलो 1 किलो का रहता है, तो उससे हम करते हैं स्टंट ट्रेनिंग वीडियो देख करके। और एक तो आपकी वीडियो देखे जिम में आप ऐसे ऐसे कर रहे, तो एक दिन हम किए तो हम बहुत थक गए, थकने के बाद हिम्मत नहीं किया। ठीक है तो सर ये क्या है, ये मेरा जो HbA1c है नीचे आ जाएगा? आ जाएगा, आप फास्ट करिए और डायफिट डाइट को फॉलो, बिल्कुल नीचे आ जाएगा, 5.7 के नीचे आ जाएगा आपका। तो वही सर, एक तो रोटी लेते हैं सोया सॉस, जो सोया चंक्स बोलते हैं ना दाना, उसको पीस लिए हैं, और बाजरा और जौ का आटा है उसमें मिक्स कर दिए हैं, और एक रोटी लेते हैं, एक रोटी लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक रोटी लेते हैं सर उसका, और उसके साथ सब्जी भी खा सकते हैं। सुन लीजिए बात को, समझिए बात, समझ करिए, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट आपको 26% के नीचे रखना है, तो अगर आप एक रोटी भी खाएंगे तो 20 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, पूरे दिन में दो रोटी खाएंगे तो 40 ग्राम के आसपास कार्बोहाइड्रेट, दो रोटी पूरे दिन में गेहूं का खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप गेहूं का रोटी खाएंगे, फिर पोहा खाएंगे, उपमा खाएंगे, पकौड़ा खाएंगे, दलिया खाएंगे, ठीक है, ब्रेड खाएंगे, तो कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, आप समझ रहे हैं, तो इसलिए वो सारे चीज नहीं खाना है, उसको छोड़ के आप दो रोटी खाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके साथ चिकन फ्रूट भी ले सकते हैं, 100 ग्राम फ्रूट खाएंगे तो 10 से 15 ग्राम के आसपास कार्बोहाइड्रेट मिलेगा उसमें भी, तो 100 ग्राम खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा फ्रूट खाने से दिक्कत हो गई, कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं सर, हम फिर भी डर डर के खाते हैं, थोड़ा थोड़ा ही मतलब, यही वीडियो देखिए, बाकी जो दरबार लगता है इसमें बहुत कुछ सीखा जा सकता है। 100 ग्राम फल खाएंगे तो 10 से 15 ग्राम के आसपास यूजुअली मिलता है, कोई भी फल खाने से 15 ग्राम के आसपास कार्बोहाइड्रेट, तो 15 ग्राम 100 ग्राम आपको 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट वहां से मिला जी सर। लिखिए सुबह उठते पूरे दिन में मान लीजिए 100 ग्राम आपको कार्बोहाइड्रेट खाना है, तो उस तरह से लिख के इसमें कितना कार्बोहाइड्रेट है वो कैलकुलेट करिए, कुछ दिनों में, हफ्ते 10 दिन 20 दिन 25 दिन में आपका आदत लग जाएगा कि इतना कार्ब है इसमें, ऐसा खाना है मुझे जी सर। सर सुबह उठते हैं तो मेथी का दाना, जो आप चाय बनाए थे एक मेथी और दालचीनी का, तो वो पका के हम लेते हैं, और फिर वो फ्लैक्स सीड लेते हैं 1 से 1.5 चम्मच, उसको पानी में घोल के खा लेते हैं, और फिर उसके बाद बादाम लेते हैं 10-12, और 1 अंडा लेते हैं लंच सुबह फर्स्ट मील में, फिर उसके बाद कुछ नहीं खाते हैं, फिर दिन में 2 बजे 1 बजे 1 रोटी और कुछ भी, पनीर चाहे चिकन और चाहे एग कुछ भी मतलब ले लेते हैं मील, और फिर रात में सब्जी और या वही दिन वाला चिकन मछली या कुछ भी थोड़ा बहुत जो भी होता है मिला के खा लेते हैं, और सलाद 1 प्लेट खाते हैं। ठीक है, अभी रमजान में तो सिर्फ हम 1 ही रोटी खा रहे हैं सर। ठीक है रात को ही खाते हैं। ठीक है, अभी काफी लोग जुड़े हुए हैं तो उनको भी लेते हैं लाइन जी, आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, आप हमको ज्वाइन किए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सर। ठीक है, ओके जो बाय। आत्मा प्रसाद, नमस्कार सर, आप ही का नाम है आत्मा प्रसाद? जी जी जी, कहाँ रहते हैं आप? मैं गोरखपुर से बोल रहा हूँ सर। उम्र कितना है आपका? मेरा 71 है। अच्छा बताइए क्यों जुड़े और क्या सवाल है आपका? जो आप ही का वीडियो मैं देखता रहता हूँ, और आपने जो आटा बताया था वो सोयाबीन का 350 ग्राम है, जो 25-25 ग्राम के मिला के उसका सब मिला के मैंने 5 किलो करीब बनाया है, और उसी को रोटी में दोपहर भी लेता हूँ,
आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है। आत्मा प्रसाद जी आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, अब मैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी। एक मुट्ठी बादाम लेता हूँ, सेव लेता हूँ, थोड़ा सलाद लेता हूँ। हाँ सर, एक बार फिर से बोलो। मैं समझ नहीं रहा हूँ आपको कि मेरा मेरा उम्र 71 है साहब। हाँ, और वेट मेरा 55 है, मुझे 22 साल से शुगर है। हाँ हाँ, 22 साल से शुगर की दवा ले रहा हूँ मैं। और मुझे एस्टेन भी लगा हुआ है। तो शुगर मेरा जो है 7.5 HbA1c रहता है। अभी मैं चेक कराया हूँ पिछले महीने 7.4 है। आत्मा जी अभी है ना, आप अगली बार किसी सुनिए सुनिए, अभी आपकी नेटवर्क में थोड़ा सा दिक्कत है। आत्मा प्रसाद आपकी नेटवर्क में दिक्कत है, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, किसी को भी समझ में नहीं आ रहा है। आप अगली बार एक अच्छे नेटवर्क एरिया में आइए, फिर आपसे बात करेंगे अच्छे से। अशरफ अंसारी आप हो लाइन पे? हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाँ जी, कहाँ रहते हैं आप? मैं मुंबई से बोल रहा हूँ जी। और क्या काम करते हैं? मैं भी एक आईटी प्रोफेशनल हूँ जी। उम्र कितना आपका? कुछ मेरा है 40। 40 जी, बताइए क्यों जुड़े? डायबिटीज है आपको? नहीं, वो नवंबर में मुझे क्या नाम है डिटेक्ट हुआ था। तो फिर क्या नाम है डॉक्टर को दिखाया हुआ है, तो फिर डॉक्टर तो नॉर्मली वो तो अपना दवाई लिख देते हैं और क्या वो अपना खाओ सुबह शाम मेटफॉर्मिन। तो फिर आपका वीडियो मिला, बट वीडियो वगैरह आपका देखा, तो उस टाइम पे जब भी मैं रहा था तो किससे निकला था 8.7 HbA1c। तो फिर आपका डाइट वगैरह जो वीडियो में देखा वो फॉलो किया, तो दवाई भी सुबह शाम उन्होंने दी थी खाने के लिए, एक सुबह एक शाम। तो करते करते नवंबर दिसंबर एक डेढ़ महीना खाया, तो और आपका थोड़ा सा वीडियो देखा फॉलो किया, तो नेक्स्ट मंथ में ही मेरा 7.2 आया। उसके बाद कंटिन्यू हुआ, तो अभी कंटिन्यू करते करते फिर क्या नाम है मैंने उनको बताया कि मेरा तो अच्छा खासा कम हो रहा है। तो मैंने उनको नहीं बताया कि आपका वीडियो मैं फॉलो कर रहा हूँ डॉक्टर को, तो बोला बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आप कर रहे हो। फिर तो उन्होंने मतलब उनसे कहा कि मैं चाहता हूँ कि मेरा दवाई डोज थोड़ा कम कर दिए, तो उन्होंने मेरा कम कर दिया, एक ही कर दिया। ये फरवरी की बात है, स्टार्टिंग फरवरी में। तो फिर क्या नाम मैं एक कर दिया, उसके बाद से आपका ही फॉलो करता रहा करता रहा। फिर मार्च आते आते मेरा आ गया क्या नाम है आपका 6 HbA1c। तो जो एक दवाई वो चला रहे थे वो भी बंद कर दिया, वो भी मतलब 6 है। बस मेरा एक क्वेश्चन आपसे ये था कि जैसे अभी रमजान चल रहा है, तो मैं नॉर्मली चेक करता रहता था बीच में, जब ये 6 मतलब ये लास्ट एक मंथ से, तो सुबह में फास्टिंग 120-130 ऐसे ही आता था, ग्लूकोज से चेक करता था HbA1c। लास्ट जो मैंने चेक किया है करीब वही 10 मार्च को, तो 6.6 एकदम एक्यूरेट 6 ही था। तो यहाँ पे भी जब से रमजान स्टार्ट हुआ तो मैं रेगुलर चेक कर रहा था, मॉर्निंग में मेरा मतलब अभी बढ़ के आ रहा है 140 कभी 150 ऐसा आ जा रहा है, और शाम को मैं चेक करता हूँ मतलब अफ्तारी से पहले तो 120 रहता है। तो थोड़ा सा इस पे मतलब थोड़ा सा आपका मतलब एडवाइस मतलब क्या एग्जैक्ट मतलब क्या हो सकता है बता पाएंगे? क्या जानना है, सवाल क्या है? मतलब वही सवाल यही है कि मतलब इससे पहले तो मेरा जैसे सुबह चेक करता था, यानी जब भी मार्च में रमजान से पहले तो 120-130 के अंदर ही रहता था सुबह में। अभी जब से रमजान स्टार्ट हुआ तो वो सुबह का जो फास्टिंग में चेक करता हूँ तो 140-150 के आसपास रहता है, और फिर मैं अगर शाम को चेक करता हूँ तो 120 आता है, ग्लूकोज का बता रहा हूँ ये। मतलब कि आप ये जानना चाह रहे हैं कि सुबह थोड़ा हाई रहता है और शाम को कम हो जाता है, यही है? हाँ, ये क्या जी बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, इसके पहले आप मेरे को ये बताइए, जब आपके डॉक्टर ने आपकी रिपोर्ट देखा और 6 आ गया, आपके डॉक्टर ने पूछा नहीं कि 6 कैसे आ गया? क्योंकि आज तक गोली पूछा ना उन्होंने पूछा पूछा आपने कैसे किया, तो मैंने उनको बताया नहीं, बोला मैं भी थोड़ा एक्सरसाइज ये वो कर रहा हूँ करके। तो मतलब बहुत अच्छी बात है, आपने तो बहुत अच्छा मतलब अभी मतलब 3-4 महीने हुए और आपने इतना मतलब कर लिया, तो उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया।
ठीक है, दवाई चल रही है अभी या दवाई बंद हो गया? नहीं अभी मैंने अभी तो नहीं खा रहे दवाई, तो अभी 8 फरवरी से मैं नहीं खा रहा हूँ। ठीक है, दवाई आपके बंद हो गई है। ठीक है, आपने मेरा एक वीडियो देखा कि फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट सबसे बकवास टेस्ट होता है, ऐसा करके एक टाइटल था, देखा वो वीडियो? नहीं वो तो नहीं, आपने मतलब ये बताया कि फास्टिंग, वो भी मैंने करवाया था, आपका वीडियो देखा, तो जो लास्ट मैंने फरवरी में शायद करवाया था फास्टिंग इंसुलिन, तो 8 point something था। वो वीडियो देखिए आप, आपकी पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर। अच्छा, मैं सबको मना करता हूँ कि फास्टिंग ब्लड शुगर चेक ना करने के लिए। इसका रीजन यही है कि जब भी आप फास्टिंग शुगर चेक करेंगे आपका थोड़ा सा ज्यादा आएगा। आपका क्या? मेरा भी ज्यादा नहीं डॉक्टर साहब, ये नहीं, आप सही कह रहे हैं, बट ये जैसे अभी मैं जी सुन लीजिए सुनिए, इसका रीजन यही है कि डॉन फिनोमिना होता है, आपकी लिवर रिलीज करती है। ठीक है, आपने खुद ही बताया। अच्छा। शाम के 120 आ जाता है। हाँ, वही मेरा सवाल। 140 के नीचे तो नॉर्मल है, और सुबह जब आप उठते अच्छा। हैं तो बॉडी को एनर्जी चाहिए होता है, आपकी लिवर रिलीज करती है, तो ज्यादातर लोगों का लिवर जो है उनको समझ में नहीं आता कि कितना रिलीज करे, पहली चीज। दूसरी चीज, इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से भी फास्टिंग इंसुलिन थोड़ा सा ज्यादा आता है। जब आप खाना खाते हैं तो आपकी बॉडी में इंसुलिन काफी रहता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस रहता है, इंसुलिन ज्यादा रहता है, तो शुगर को नॉर्मल करता है। ठीक है, आप अच्छा। समझ गए, तो यही कारण है। तो अभी आप एक सवाल और था कि जैसे ये अभी रमजान में, इससे पहले तो मेरा मतलब सब ठीक था। सुनिए, मैं जब बात करूं तो आप सुनिए। 50-60% लोगों को जो है डॉन फिनोमेना आता, चाहे वो डायबिटिक हो चाहे नहीं भी हो, नॉर्मल हेल्दी इंसान को भी मैंने देखा है, उनकी शुगर लेवल हाई रहता है, लेकिन हेल्दी इंसान का पता नहीं चलता है क्योंकि वो टेस्ट नहीं करते। टेस्ट तो आप तभी करते हैं ना जब आप डायबिटिक होते हैं। एक हेल्दी इंसान, कौन सा हेल्दी इंसान प्रिक करता है और चेक करता है सुबह सुबह कि मेरी फास्टिंग ज्यादा आ रही नहीं आ रही? कोई नहीं करता सर। अगर 100 हेल्दी इंसान भी चेक करने लगेंगे ना, 50-60 लोग का जो फास्टिंग शुगर होगा 120-125 ऐसे आने लगेगा। एग्जैक्टली समझ गए। अभी आप पूछिए, क्या पूछ रहे थे आप? हाँ वही, मतलब अब तो आप सारा आपने क्लियर ही कर दिया ना कि वो उसकी वजह से हो रहा है, तो मतलब मैं कह रहा था कि जैसे रमजान के पहले मतलब एक नॉर्मल था, अभी रमजान के बाद ऐसा क्यों हो गया? वो थोड़ा सा वो इसलिए क्योंकि रमजान के समय में आप सुबह जल्दी उठते हैं, रमजान के पहले आप आपके उठने की टाइमिंग अलग है। हाँ, अब रमजान से पहले रात में मैं क्या नाम है डिनर में यही 9 बजे डिनर लेके सो जाता, फिर सुबह उठ के 9 बजे नाश्ता होता था। अभी क्या रमजान में मॉर्निंग में 5 o'clock उठ के थोड़ा सा ब्रेकफास्ट लेना होता है, तो वो रीजन से तो ये दिक्कत। टाइमिंग चेंज हो गया, टाइमिंग चेंज हो गया इसीलिए शुगर ये है। ठीक है सर, बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, दवाई की कोई जरूरत नहीं है। डायफिट डाइट फॉलो करिए, अपने जितने भी दोस्त यार भाई बंधु जितने लोग हैं शेयर करिए वीडियोस को। अच्छा एक सर और बता दे, जैसे ये रात में से हम लोग फास्टिंग तोड़ते हैं इवनिंग में, तो उसमें मतलब ये इसे पकोड़े और ये सब ज्यादा मतलब तो उसमें मैं ज्यादा नहीं लेता हूँ, बट कुछ क्वांटिटी बता सकते हैं कि मतलब कितना हम मतलब मिनिमम टू मिनिमम खा सकते हैं? जो भी डीप फ्राइड चीज होता है उसको कम्प्लीटली अवॉइड करना है। अच्छा कम्प्लीटली डीप फ्राई मतलब उसको जैसे कोई ऐसे मतलब हमने कोई मतलब एक पकौड़ा बनाया उसको हल्का सा ऑयल में लगा के ऊपर से ऐसा करे, वो चलेगा कि वो भी नहीं? मतलब नहीं करना। मैंने बताया अच्छा। मैंने सहरी और इफ्तारी के बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, आप सर्च करिए आपको मिल जाएगा, कैसे खाना है, कैसे फास्ट तोड़ना है, क्या नहीं खाना है, क्या खाना है, कितना खाना है, कैसे खाना है, पूरा सारा डिटेल्स वीडियो बना के रखे हुए हैं। जी जी ठीक है, वीडियोस देखना पड़ेगा, वीडियोस देखिए। और तला हुआ चीज पकोड़ा शकोड़ा ये सब कभी कभार ईद के दिन खाइए, कोई दिक्कत नहीं, ईद मनाइए, लेकिन जो एक महीने का जो फास्टिंग चलता है उसमें अवॉइड करिए वो सारा चीज। पकोड़ा शकोड़ा कभार खाने की, त्योहार में खाने की, त्योहार हर दिन नहीं होता है, जो रमजान है वो हर दिन त्योहार, उसका लॉजिक समझिए कि त्योहार या रमजान जो हमारे इसमें नवरात्र होता है, फास्टिंग क्यों रखते हैं? ताकि आपके बॉडी को थोड़ा आराम मिले, सारा टाइम तो हम लोग खाते रहते हैं, ये एक ऐसा सिचुएशन होता है कि हम आराम दे, लेकिन हम लोग आराम कहाँ देते हैं? हम लोग जैसे आप लोग
पकौड़ा शकौड़ा खाएंगे, नवरात्रि जो मनाते हैं वो जाके फिर वेज थाली खाएंगे, उसमें वेज थाली में क्या खाएंगे, उसमें खाएंगे आलू टिक्की और ये सब जितने जितने जंक फूड जितने होते हैं वही सब खाते हैं। तो इससे अच्छा है कि फास्ट ही मत करो, फास्ट करनी है तो तरीके से करना है, और फास्टिंग के बाद जो खाना खाते हैं वो खाना तरीके से। नवरात्रि के लिए भी मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। अगर आप उस तरह से नहीं खा पाते तो आपने जो फास्टिंग किया है वो सब बेकार हो जाते हैं। फास्टिंग का पर्पस समझिए, हमारे रिलीजियस कल्चर में फास्टिंग क्यों रखते थे, ताकि आप खाना कम खाए और आपके गट को रिलीफ मिले, थोड़ा सा शांत शांति मिले, नहीं तो टाइम खाते रहते हैं और इससे सारे बीमारी का निजात मिलता था, आप समझ रहे हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या हो गया, अब जितने ज्यादा लोग फास्टिंग कर रहे हैं उसके बाद उनको लगता है कि हमने तो फास्ट करी, अब दबा के खाना चाहिए नहीं तो कमजोर हो जाएंगे, और उस जिले में फास्टिंग करने के बावजूद भी लोगों को ज्यादा बीमारी हो गई, तो कॉन्सेप्ट ही चेंज हो गया। आप फास्ट के बाद फीस्ट कर लेते हैं, फीस्ट नहीं करना है, ठीक है। डायफिड डाइट का कॉन्सेप्ट 26% के नीचे कार्बोहाइड्रेट रखिए, 1.5 से लेके 2 ग्राम केजी बॉडी वेट प्रोटीन से लेना है, बाकी कैलोरीज जो है हेल्दी फैट, हेल्दी फैट बोलता हूं मैं, जो आप पकौड़ा खाते हैं उसमें हेल्दी फैट होता है, हेल्दी फैट नहीं सर। जो पकौड़ा हम लोग खाते हैं तो उसमें भी नहीं, जो पकौड़ा खाते हैं वो इसे हमने उसमें क्या नाम है मस्टर्ड ऑयल में बनाया है, तो वो तो हेल्दी मस्टर्ड ऑयल होता है, तो फिर उसमें मस्टर्ड ऑयल हेल्दी है लेकिन डीप फ्राई अगर आप करेंगे तो उसमें वो चीज खराब हो जाते हैं, डीप फ्राई नहीं करना। अच्छा ओके, खराब हो जाता वो। कोई भी चीज डीप फ्राई करोगे उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू खत्म हो जाता है, और चिकन वगैरह भी अगर हम उसको डीप फ्राई करेंगे तो उसका भी न्यूट्रिशन वैल्यू खराब हो जाएगा, न्यूट्रिशन वैल्यू खत्म हो जाएंगे डीप फ्राई करेंगे तो। ये सर मेन बात आपने बताया कि न्यूट्रिशन वैल्यू खत्म होने की वजह से वो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है शुगर के लिए। आप KFC का चिकन खा के ये सोचेंगे कि मुझे बहुत ज्यादा प्रोटीन मिल रहा है, तो प्रोटीन से ज्यादा आपको अनहेल्दी फैट मिलेगा, आपको ज्यादा कैलोरीज, ठीक है। चिकन मैं बोलता हूँ ना चिकन खाने के लिए, लेकिन अगर आप सोचेंगे मैं तो डेली KFC का चिकन खाऊंगा बाहर, वही मैं सोचा सर कि चिकन आप बोलते हैं खाने के लिए प्रोटीन लेने के लिए, तो अगर मैं चिकन को फ्राई करके खाऊं तो फिर वो अनहेल्दी कैसे हो जाएगा, तो जो भी आपने एग्जांपल दिया कि फ्राई करने से उसका न्यूट्रिशन वैल्यू खत्म हो जाता, दैट इज द करेक्ट। बिल्कुल, तो इसीलिए ये सब कभी, जैसे ईद है, ईद में खाइए कोई दिक्कत नहीं है, जो मर्जी खाइए एंजॉय करिए। समझ गया आपकी बात, वंस इन अ व्हाइल ठीक है, आप रोज यही चीज तो फिर दिक्कत होगी आपको, राइट ठीक है। बहुत कर रहे हैं, और अगर मेडिसिन फ्री लाइफ जीना है तो डायफिड डाइट को लाइफ लॉन्ग फॉलो करना। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपका तो बहुत अच्छा है डायफिड डाइट जो, बहुत अच्छा है, इसे फॉलो करने से बिल्कुल एकदम जल्दी से जल्दी मतलब इसमें कंट्रोल में हो जाता है। आपके डॉक्टर भी चक्कर खा गए होंगे, आप मन ही मन सोच रहा होगा कि मैंने उनको बताया पेशेंट आ गया, वो उसको हां उनको तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये मैजिक कैसे हो गया, जबकि उन्होंने तो कुछ बताया, उन्होंने मतलब हम जब स्टार्ट में गए तो हम लोग को कुछ समझ में नहीं आया, एकदम अचानक हुआ, क्योंकि उस टाइम पे जब मुझे हुआ था तो उसमें क्या नाम हल्का सा क्या नाम है बीपी भी बढ़ा था, कोलेस्ट्रॉल भी था, तो ये सब प्रॉब्लम था, ये इसकी वजह से गया था, तो उन्होंने कहा और चेक कराओ, तो चेक कराया तो HbA1c में ये आ गया, तो जब आया तो उनसे डाइट पूछा, तो डाइट में तो उन्होंने कुछ बताया नहीं, बोला चावल थोड़ा कम कर दो और क्या नाम है चाय कम पियो, मतलब ये सब बताया नॉर्मली, और कोई चीज उन्होंने बताया मतलब डाइट के बारे में, जैसा आपका वीडियो रहता है उसमें उन्होंने कुछ बताया ही नहीं। अब अगर हम उनको फॉलो करते तो पता क्या चलता है, वो हमेशा लाइफ टाइम दवाई पे डिपेंड हो जाते। ठीक है, अभी आपको दवाई लाइफ टाइम कभी खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दैट्स राइट सर, ग्रेट सर, थैंक यू वेरी मच, ओके, ऑल द बेस्ट, बाय, थैंक यू, बाय। ओके, लास्ट किसी एक जन को लेते हैं, मिसेस पाटिल। हेलो सर, चारुशीला पाटिल है ना? यस सर, गुड नाइट, गुड इवनिंग सर। मेरा HbA1c 6.4 था नवंबर में, एंड माय यूरिन ACR वाज 77 माइक्रो एल्ब्यूमिन, तो हाउ कैन आई रिड्यूस इट? आई एम ऑन लो कार्ब डाइट, आई एम फॉलोइंग यू। आपको डायबिटीज था पहले कभी? हाँ यस, 4 इयर्स से है, आई एम टेकिंग मेटफॉर्मिन
एंड जब भी यूरिन एसीआर आया तो माय डॉक्टर गेव मी डेपाग्लोफिजॉन 5 mg एंड आयरोविल आल्सो ही गेव मी बट आई डिड नॉट हैव ब्लड प्रेशर स्टिल ही गेव मी. ठीक है. चार कितने साल से है डायबिटीज आपको? 5 years. और उम्र कितना? 59 years. यू आर 59. ठीक है. सी पेप्टाइड फास्टिंग इंसुलिन जांच कराया? फास्टिंग इंसुलिन वाज 4.48. सी पेप्टाइड नहीं कराया. ठीक है. अभी दवाई क्या चल रहा है? मेटफॉर्मिन 500 mg, डेपाग्लोफिजॉन 5 mg एंड आयरोविल 10 mg आई थिंक. ठीक है. अभी आप क्या जानना चाहते हैं? एंड स्टैटिन आल्सो ही गिव मी. जानना क्या चाहते हैं? आपकी सवाल क्या है? What is the question? Sir, I can't hear you. Can you hear me now? What is the question? What do you want to know? आवाज आ रही है? हाँ. हाँ, क्या सवाल है आपका? क्या पूछना चाहते हैं? क्या जानना चाहते हैं? हाँ सर, पूछिए, सवाल पूछिए. नाउ माय ब्लड शुगर फास्टिंग इज 105. सवाल क्या है? अभी मैं सवाल समझ नहीं पा रहा हूँ आपका. सवाल ये है कि मैं एसीआर कैसे रिड्यूस करूँ. एसीआर कैसे रिड्यूस करना है? ठीक है. उसके लिए और भी कुछ जांच देखना पड़ेगा मुझे. ईजीएफआर कराया आपने? ईजीएफआर वो जांच कराया? हाँ, 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 EGF, 109. बस आप निश्चिंत हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. 300 के नीचे आपका एसीआर है, कोई इशू नहीं. 300 के नीचे एसीआर है, टेंशन मत करिए. डायफिट डाइट को फॉलो करिए. ठीक है, अपने आप कम हो जाएगा वो. चलिए, आपको मेरे ख्याल से कनेक्शन नहीं आ रहा है, बाद में आप रिकॉर्डेड लाइन सुन लेना. टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है. आपका ईजीएफआर बिल्कुल ठीक है, डायफिट डाइट को फॉलो करिए, एसीआर जो आप बोल रहे हैं वो धीरे धीरे करके कम आ जाएगा. ठीक है. चलिए लास्ट ले लेते हैं अनवर गुज्जर को. अनवर गुज्जर जी, आप हो लाइन पे? चलिए, ओके. सो आज का डायबिटीज दरबार यहीं पे खत्म करते हैं, और फिर से डायबिटीज दरबार लगेगा. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद.